बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, खबर ये है कि ये जो नई हुकूमत आई है और उसने अपने कारनामे करना शुरू कर दिए, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत का ये पहला बड़ा कारनामा है कि उन्होंने आते ही एक आर्मी ऑफिसर को, मेजर हारिस को, सिर्फ इस बिना के ऊपर पर शदीद जंजोगू किया लाहौर में कलमा चौक के करीब, के कुछ एक एमएनए जो है सलमान रफीक ख्वाजा जो उनसे हैं, ख्वाजा सलमान रफीक इनका असल नाम है, ये साद रफीक के भाई हैं छोटे, ये अपने कार वो काफले के साथ जा रहे थे। जैसे इनके पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो वो जो कैबन होते हैं, डबल कैबन गाड़ियाँ होती हैं और इसमें गनमैन बैठे होते हैं, खूब एक एक, एक रोप दबका होता है। वो दोबारा शुरू हो गया, वही कल्चर जो है वो दोबारा से आ गया है, जो जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इसके अंदर वही कल्चर आ गया कि ना वो गने लेके और यूँ घूमना और लोगों पर रोप डालना कि हम दोबारा से आ गए हैं। वो गाड़ी तेज़ी से निकली है, ये अफ्तारी का टाइम बता, आपको पता ही है पाकिस्तान में अफ्तारी के टाइम पे एक ऐसा तूफान मचा होता है कि लोग तेज़ तेज़ चला रहे होते हैं, उन्हें घर जाना होता है और बस रोज़ा खोलने के चक्कर में, रोज़ा हो या ना हो लेकिन रोज़ा खोलने की ख्वाहिश में तेज़ी से जा रहे होते हैं, अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, मुख्तलिफ होते हैं। वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का शीशा जो सा है, एक मेजर साहब जा रहे थे हाजिर ड्यूटी, मेजर हारिस साहब, वो कैलवरी ग्राउंड पे जा रहे थे तो वो उनकी गाड़ी को टच हुआ, उन्होंने गाड़ी आगे ब्लॉक करके रोकी है और अंदर उनके गाड़ी में कोई 5 से 7 ख्वाजा साहब के वो कहते हैं गनमैन थे और सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने निकाला बाहर और दबा दब मार कुटाई ये क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो नुमाइंदे हैं, उन्होंने खूब मारा उनको अच्छी तरह से, पहले तो गाली गलौज की और गंदी और फिर उसके बाद उनको अच्छी तरह से मारा और मारने के बाद उनकी गाड़ी के ऊपर छत के ऊपर उछले उनको, क्योंकि उनकी गाड़ी पर निशान लग गया था तो उन्होंने उनकी गाड़ी को डैमेज किया, मेजर साहब की गाड़ी को, और वो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से डैमेज किया उनको, बल्कि आप वीडियो पहले देख लें, उसमें थोड़ी सी कुछ नाजेबा सी गुफ्तगू भी है तो वो बराए मेहरबानी उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल ही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोगों ने क्या हरकत की है। ये इनकी बड़ी गाड़ी है, महंगी तरीन गाड़ी है, और मेरे साथ की ये गरीब सी गाड़ी है, गरीबाना सी कार है, छोटी सी होंडा सिविक, जो आमतौर पर मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के पास होती हैं, वहाँ पे बड़े अफसरों के पास भी इतनी होती हैं, तो उस गाड़ी के साथ इन्होंने ये वही गुंडागर्दी का वही माहौल दोबारा से, उनकी गाड़ी को उछल रहा है, ये दाढ़ी वाला नहीं है तो गाड़ी को उछल, मेजर साहब गाड़ी में खड़ा हुआ, गाड़ी को चिप कर रहा, मेजर साहब को जमीन पे गया मार के, इन्होंने जमीन पे फेंका आदमी ऑफिसर को, ये 7-8 आदमी ने पूरी तरह से मार, और कोई इनको ख्याल नहीं था, कोई हया नहीं थी कि रमज़ान का टाइम है और रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में थोड़ा सा तो कुछ रहम करो, अगर लग ही गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपनी गुंडागर्दी के अंदर इतने फैले हुए हो कि तुमने उनका लिहाज ही नहीं किया किसी को भी और बुरी तरह से मारा उनको, और उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बुला लो पुलिस को, पुलिस ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है, वो पुलिस को बुला रही है तो कहते हैं बुला लो पुलिस को, जिसको मर्जी बुला लो, हमें पुलिस का कोई डर नहीं। ये हैं मेजर साहब हैं, और ये मेजर साहब हैं, और ये सफ़ेद बालों वाले जो से हैं, ये इनकी गाड़ी थी और दूसरे उनके छोटे बड़े बड़े भाई हैं साथ। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो सी है ना, जब तक हमारे मुल्क में रहेगी तो ये कभी भी ठीक नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई के लोगों की हुकूमत बहुत अच्छी थी, उनके अंदर भी बहुत सारे गुंडागर्दी के अनासर मौजूद हैं और वो भी ऐसे ही करते हैं सारे, इन्होंने भी वही काम किया, शायद ये उनसे थोड़े से आगे हैं, क्योंकि मैं खुद इनके दौर में पाकिस्तान में था जब, तो यही होता था, किसी की भी आप फेंटी लगा देना, ज़रा सी बात में गाड़ी
आगे निकलने के ऊपर भी वो के ऊपर भी जो है उसका उनका हशर नशर कर दिया करते थे ये। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये पाकिस्तान के अंदर आम रिवाज है। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, लैंड क्रूज़र लेना, और ये गाड़ियाँ जो रखना, डबल कैबिन रखना, ये एक वो निशानी है कि हम गुंडे हैं इस इलाके के। हमसे कोई अगर टकराएगा तो हम उसकी ऐसे ही हशर करेंगे। जैसे ये कल तारड़ साहब ने कहा उनके कि जैसा मेरिट में हमने उस बूढ़े आदमी का हशर किया, आइंदा किसी ने हमें छेड़ा ये लोटा का या गाली दी तो हम उसका वही हशर करेंगे जो उस बूढ़े आदमी का हमने मेरिट में किया है। तो कितनी बड़ी गुंडागर्दी की अलामत है ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। ये कोई शर्म नहीं आती है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, बात को रफा दफा करो। और उस बुजुर्ग आदमी का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने ये उसे पूछा था बहरे से कि बाथरूम में लोटा है, क्योंकि बाज़ लोग तहारत के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं, उनको नई सिस्टम के नहीं पता होता, ख़ासतौर पर ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता चीज़ों का। तो वो कहते हैं कि वो है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा लोटा हमें ही कहा, भाई लोटे आपके अलावा भी लोटे हैं, ओरिजिनल लोटे भी हैं, आप तो लोटे हो ही, लेकिन ओरिजिनल लोटे भी तो मौजूद है ना, उनको भी उनको तो इस्तेमाल करते ही हैं लोग बाथरूम में। आप अपने आप को क्यों समझते हो कि आपका नाम लिया है? आपका नाम क्यों लेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी अपना नाम लेके अपना रोज़ा भी ख़राब करे। आप जैसे गंदे लोग तो लोटों से भी गंदे हैं, लोटों से जो सफाई होती है, आप तो वो लोग हो जो हरकतें करते हो। तो बहरहाल अब इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। हारिस ने, मेजर हारिस के वालिद ने केस दर्ज कराया है और मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि आर्मी की जब बात पता लगा अब वो माफ़ी तलाफी अब वो हो गया, वो माफ़ी माफ़ कर दो जी, बस माफ़ कर दो जी, गलती हो गई जी, माफ़ कर दो। कैसी माफ़ी? अगर कोई गरीब आदमी मेरे जैसा बंदा होता, उसको आर्मी से उसका ताल्लुक ना होता, उसको तो मार दिया था इन लोगों ने, उसको उसकी बेइज्जती भी कर देते। वो तो किस्मत के अच्छे थे कि वो मेजर थे, आर्मी के हाजिर ड्यूटी थे। अब आर्मी नहीं छोड़ती आपको, आप क्रिमिनल केसेस के अंदर आगे मतलूब हैं, जमानतों पर हैं। आपकी आधे से ज़्यादा असम्बली एजेंसी जो अभी नई आई है वो केसेस के अंदर है, उन पर करप्शन के केसेस हैं सबके ऊपर। और कोई आसान केस नहीं है, ये ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक, इन दोनों के ऊपर केसेस हैं और ये जमानत के ऊपर हैं। इन्होंने इनके वो कोई हाउसिंग सोसाइटी का केस है, नजायज़ जगहों के ऊपर इन्होंने वो चीज़ें बनाई थी उसका केस चल रहा है। बदनवानी, बेईमानी, ये इनके अंदर कूट कूट के बढ़ी है। ये ऐसी नहीं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सी हैं लेके फिरते हैं और साथ छः साथ साथ गनमैन होते हैं, बंदूकें होती हैं, ये गुंडागर्दी से हासिल करते हैं, सारे कब्जे करते हैं, ये गुंडागर्दी हासिल करते हैं। तो यही इनका वतीरा है और यही कुछ होता रहा है। बहरहाल इनके पर केस बन गया है और मैं समझता हूँ कि इनको सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, सुलह हो गई। अगर सुलह हो गई तो मैं समझूँगा कि मुझे आर्मी से शिकायत है और मैं आज हमेशा आर्मी का को डिफेंड करता हूँ, अपने प्रोग्रामों में बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी को अपने बहुत करीब से देखा, मैंने उनके साथ काम किया है। अगर ये ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा ये वो आर्मी नहीं है, ये नई आर्मी है जो इनको माफ़ कर दे। इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए, इन गुंडों को सज़ा होनी चाहिए। गाड़ी भी ये नहीं दे दे अगर मेजर साहब को, तब भी वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। फिर भी गाड़ी तो देनी पड़ेगी इनको, गाड़ी उनकी ख़राब की है, सज़ा फिर भी होनी चाहिए। ये हमेशा ये बना रहे और हमारे कानून को हरकत में आना चाहिए कि गरीब आदमी के क्या साथ किसी को औसात अगर लग जाता उसको तो ये मार के भी चले जाते तो कोई पूछने वाला ना होता। वो तो किस्मत के धनी है, वो मेजर थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। अब माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, सुलह कर लो। सुलह कैसी, कोई सुलह की इसमें बात ही कोई नहीं। जिसने ज्यादती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, इंशाल्लाह दूसरे मौजू के साथ कुछ देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।